नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज अपने चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। दोस्तों, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट एक बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे भारत में। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की आपको मैंने डिटेल अपडेट दी थी 2 महीने पहले, और वहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें बताई थी उसको लेकर के आज मैं बड़ा आपको अपडेट देने वाला हूँ। दोस्तों, RVNL ने बड़ी ही खुशी जाहिर करी है कि इस प्रोजेक्ट में लगी हुई सबसे एडवांस टनल बोरिंग मशीन शिव और शक्ति, जिनका नाम रखा है, वो बहुत तेजी से काम कर रही हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि 1080.11 RM टनल एक्सकेवेशन हो चुका है, और अभी हाल ही में इन TBM मशीन ने 796 RM जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उसको ब्रेक कर दिया है। और एक बहुत ही अहम लाइन यहाँ पर लिखी हुई है RVNL ने कि 2025 तक RVNL इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगा, और यही इसकी डेडलाइन भी पहले रखी गई थी, इसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। और मैं आपको पहले से बोलता आया हूँ कि 2025 डेडलाइन जो है उसको मीट जरूर कर जाएगा RVNL, काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो अब अहम अपडेट जो आप लोग जानने आए हैं कि कितना किलोमीटर काम हो चुका है। देखिए, ये फेज वन का काम है चार धाम रेल प्रोजेक्ट का, जिसका 125 किलोमीटर का हिस्सा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में बन रहा है। 11 रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर काम चल रहा है। इन सभी के बारे में डीपली समझना चाहते हैं तो मेरी 2 महीने पहले वाली वीडियो जरूर से देख लेना। हालांकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो 17 टनल बनने वाली हैं, जिसकी वजह से 85% हिस्सा इस प्रोजेक्ट का टनल में होने वाला है, तो वहाँ पर जो खुदाई का काम है वो लगभग 213 किलोमीटर का होना है, क्योंकि वहां पर हमारी टनल्स के साथ में अडेट्स और जो हमारी एस्केप टनल है उनकी लेंथ को भी यहां पे जोड़ा गया है। तो टोटल मिलाकर के 213 किलोमीटर की जो टनल्स हैं उसमें से 169.4 किलोमीटर की टनल का एक्सकेवेशन हो चुका था 2 महीने पहले, जब मैंने आपको बताया था। और अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने आप लोगों के सामने नया डाटा रख दिया है। आज ही के दिन 176 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो गया है टनल एक्सकेवेशन का, 213 में से अब इतना काम कंप्लीट है। अभी भी RVNL और उसके कॉन्ट्रैक्टर्स के पास में काफी टाइम बाकी है ये सारा काम जल्द से जल्द कंप्लीट करने में। और जो टनल्स पहले जिनकी खुदाई हो चुकी है उसके अंदर लाइनिंग का काम और जो पूरा शेप देने का काम होता है टनल को अंदर से, साथ में उसके ट्रैक बिछाने का काम, वो भी शुरू हो चुका है दोस्तों। और इस पूरे प्रोजेक्ट में जो कंपनियां ट्रैक बिछाएंगी उसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, आज भी बता रहा हूँ। भारतीय रेलवे की कंस्ट्रक्शन आर्म इरकॉन और पारस रेलटेक PCM JV इनको ये काम दे दिया गया है, और ये इस पूरे एंटायर 125 किलोमीटर के ट्रैक बिछाएंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड के लिए तो एक सपनों की रेल है ये, और मैं खुद यहाँ पे रह रहा हूँ तो इस तरीके की रेलवे का विस्तार अगर ऊपर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सभी लोगों को जो नीचे पलायन करते हैं उनको ऊपर बहुत से रोजगार मिल सकेंगे इस रेलवे लाइन के आने के बाद, और बहुत सारी चीज़ों की सुविधा हो जाएगी। तो ऐसे में इस रेलवे लाइन के बारे में और भी नई जानकारी आगे जो भी मुझे मिलती है जरूर से आप लोगों को जल्द से जल्द देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।